हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह पाक आपको ठीक रखे, दीन दुनिया की खुशियाँ दे, खुश रहें, आबाद रहें। तो आज मैं बनाऊंगी चिकन नरगेट अलबेग वालों के घर में बहुत मज़े के बनते हैं और बहुत ही कम बजट में बन जाते हैं। ये मैंने आधा किलो चिकन बोनलेस ले लिया है, तो इसको काटती हूँ। ये बहुत मज़े के बन जाते हैं घर में और सस्ते भी पड़ते हैं। अलबेग वालों से लो तो वो तो बहुत महंगे पड़ते हैं। इसको ऐसे बारीक बारीक में काटना है, ऐसे काटना है, इतने पीस काटने हैं इसके। ये जिसे चिकन बोनस लेते हैं ना, उनसे भी कटवा सकते हैं। तो मैंने किसी को भेजा था, उन्होंने कटवाए नहीं, वरना जैसे बोलो वो काट देते हैं। उनके पास जो नाइस छुरियां वगैरह होती हैं वो तेज होती हैं, तो इनको ऐसे काटना है, ऐसे करके ऐसे मैं सारे काट लेती हूँ। तो ये मैंने काट लिया है, माशाल्लाह देखें, इतना इतना पतला, इतना करके ऐसे ऐसे मैंने सारा काट लिया। ये आधा किलो से थोड़ा ज्यादा है, मैंने किलो मंगवाया था तो दो ऐसे किए हैं, तो एक ऐसा फिर थोड़ा ज्यादा, ये मेरी थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, बिल्कुल बिल्कुल पेस्ट बनाया है मैंने। अगर अदरक लहसुन का पाउडर हो तो फिर ज्यादा ठीक है, वरना ये अच्छे तरीके से इसका पेस्ट बना लें। ये बच्चों का टाइम होता है, बाहर शोर मचाने शुरू हो जाते हैं। ये काली मिर्च, ब्लैक पेपर, ये ब्लैक पेपर चम्मच भर के, ये रेड मिर्च थोड़ी सी डालती हूँ, नमक हसबे जरूरत, ये चिली सॉस, एक चम्मच, ये सोया सॉस तकरीबन एक चम्मच इसकी भी, ये वाइट सिरका, नींबू भी डाल सकते हैं, सिरका भी डाल सकते हैं, मैं सिरका ही डाल रही हूँ, एक चम्मच। इसको कर लेते हैं मिक्स। मसाले इसमें पूरे पूरे ही रखने हैं, क्योंकि जितने इसमें जज्ब हो जाएं, एक्स्ट्रा ज्यादा नहीं डालने, इतने ही रहेंगे जितने इसमें डालने हैं। तो ये पेपरिका पाउडर है, इसमें इसका टेस्ट बहुत मजे का होता है। इसको मैरिनेशन के लिए थोड़ा सा छोड़ती हूँ। जितने देर छोड़ोगे इसको मसाले लगा के रखोगे, इतना ही बहुत मजे का बनेगा। तो कम से कम घंटा तो इसको रखना चाहिए, मैरिनेट हो जाता है तो बहुत मजे का होता है। अभी इसको मैं ढाप के छोड़ देती हूँ, ऐसे में सारे लगा ली सारे। इसको रखे हुए मुझे काफी टाइम हो चुका है। अभी इसको मैं, ये इस तरह का एक शापर मिलते हैं, ये इस तरह का एक रैपर ले लें, शापर सा जिप बैग मिलते हैं, ये कोई चीज रखनी हो फ्रीजर में तो इसमें बसानी
रख सकता है मैं। इसका मुंह से खोल लें और ये वाले जो पीस हैं आपकी मदद से इसके अंदर ये फैला रहे हैं। इसको ऐसे सारे को फैला दें जितना जितना आता है, जहां जहां आता है। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें, यही तो हमारे लिए खुशी होती है। तो ये देखें कुछ मेरे से ऐसा काटा गया है, कोई बात नहीं, ये ऐसे यहाँ जाके ठीक हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही अच्छे टेस्टी बनते हैं। ये मैंने सारे इसमें डाल दिए, ये इसको टैट बंद कर देते हैं यहाँ से। यहाँ से टैट करके बंद कर दिया। और कोई इस तरह की चीज ले लें, मैंने ये ले लिया है। इसको इतना करेंगे, ये जो अंदर गोश है चिकन है ये ऐसे टूट के एक जान हो जाए इसे। ये बहुत मजे के बनते हैं और अलबेग से लो तो बहुत ही महंगे मिलते हैं, माशाल्लाह। सऊदीया में जो जाए इतने मजे के वहां मिलते हैं, अल्लाह सबको ले जाए अपने घर का दीदार कराए। देखने वालों में से अल्लाह सबको ले जाए, वहां जाके जरूर उमरा करना, लेकिन ये भी जरूर खाना। ये खाने खाना तो एक हिस्सा है ना जिंदगी का। तो ये सबको ऐसे में कर लेती हूँ। तो ये देखें मजे मजे से अभी बैग बंद है, फिर भी इसकी इतनी प्यारी खुशबुएं आ रही हैं मसालों की, ब्लैक पेपर, पपरिका पाउडर, अदरक लहसुन और चिकन। तो ये आपकी मदद से कम ज्यादा जिधर कम है वहां पे सही कर सकते हैं ऐसे। इनको इतना मोटा रखना चाहिए, इतना 30 ग्राम तक एक नरगट अलबेग का होता है वजन, तो इतना मोटाई में छोड़ना चाहिए कि एक का इतना वजन हो जाए। तो ये देखें माशाल्लाह मैंने यहाँ इसको सेट कर लिया इतना। तो अभी इसको करती हूँ बंद, इसको रखना फ्रीजर में कम से कम 6 घंटे ताकि ये फुल जम जाए, फ्रीज हो जाए। इसकी टैट निकाल लेना ऐसे, ये देखें इसका इतना इतना मोटा होना चाहिए, इतना इतना नगेट अलबेग होता है। अभी ये जाएगा फ्रीजर में। आपकी मदद से ऐसे कर सकते हैं कम ज़्यादा, कहीं से आपको लगे कि पतला है तो थोड़ा सा बैग को इसको शापर को ऐसे घुमा के आगे कर सकते हैं, कहीं से लगे मोटा है पतला है। ये साइज में शापर थोड़ा सा बड़ा है तो पूरा पूरा भी ले सकते हैं, या इसके बीच में चिकन ज़्यादा डाल सकते हैं। तो ये अभी ये जाएगा फ्रीज़र में, ये मैं इसको फ्रीज़र में लेके जा रही हूँ, बाद में मिलेगा। तो ये मेरा अलबेग माशाल्लाह मैंने फ्रीज़र में रखा था, तो फ्रीज़र से मैंने अभी निकाला है इसको। माशाल्लाह बहुत मज़े का ये फ्रीज़ हो चुका है।
माशाल्लाह ऐसे इसको उतार लेते हैं शापर को। इसको ऐसे काट लेती हूँ। ये माशाल्लाह ऐसे इनको निकाल लूंगी। ऐसे साफ साफ पीस करके ये मैंने सारे पीस ऐसे निकाल लिए। ये दो अंडे मैंने ले लिए। दो अंडे ले लिए, ये ब्रेड क्रम ले लिए मैंने, ये थोड़ा सा मैदा ले लिया, ये कोई जो कश्मीरी मिर्च चुटकी काली मिर्च, ये स्पाइसी मसाला होता है नूडल वगैरह में होता है, चटपटा मसाला होता है, ये थोड़ा सा नमक। ये दो अंडे मैंने मैदे में डाल लिए, एक चुटकी ये फूड कलर और ये जो मसाले मैंने बताए हैं, थोड़ा सा मैदा, इसका मैं गोल सा बना लेती हूँ। थोड़ा सा पानी डाल, अंडे और मैदा और फूड कलर थोड़ा सा मैंने डाला, ऑरेंज कलर अलबेक का जो कलर आता है ना, ये फूड कलर थोड़ा सा। ये मैंने मैदा अंडे, ये मैंने एक चुटकी कलर डाला है, ये मैंने ऐसे गाढ़ा सा गोल बना दिया है ऐसे, ये अलबेग वालों का ऐसे होता है, बीच में दो अंडे डाले हैं। ये साथ मैंने कुछ ब्रेड क्रम ले लिए। इधर मैंने फ्राई पैन चढ़ाया था ऊपर, तो इसमें ये फिंगर ये मैंने बना दिए हैं आलू के चिप्स, ये अलबेग के साथ होते हैं, तो ये मैं छील के दो आलू ये बना दूँ। अभी ऑयल मेरा गर्म है, ये मैंने ले लिए। यहाँ से इसमें डिप करती हूँ जो गोल मैंने बनाया है, हाथ तो गंदे होंगे कोई बात नहीं। इनको रखना नहीं पड़ता, इनको साथ साथ जैसे फ्रीजर से निकाला और साथ साथ फौरन ही तो ये मैंने दो निकाल लिए। ये बिल्कुल हल्की आंच पे माशाल्लाह बनते हैं, बहुत मजे के बनते हैं, ताकि ये कच्चा होता है ना गो चिकन अंदर तक पक जाए, मैरिनेट होता है माशाल्लाह, बहुत मजे की इसकी खुशबुएं आ रही हैं। माशाल्लाह ये देखें इतने मज़े मज़े की खुशबुएं आ रही हैं, मज़े इतनी आँच पे बनाने पड़ते हैं,
बिल्कुल स्लो आंच पे, ताकि अंदर तक सुख हो जाए बहुत मजे के। अब ये हमारे पास छोटी छोटी माशाल्लाह डब्बियां हैं, इनमें हम डालेंगे, देखना जो बिल्कुल बाजार जैसा होता है ऐसे बनेगा इंशाल्लाह। ये मायोनीज डालते हैं इसमें, ये मेरे पास केचप है, इसमें केचप डालते हैं, अलबेग बनाया है तो फिर अलबेग होना चाहिए, अलबेग का टेस्ट होना चाहिए, जायका होना चाहिए। ये चिली सॉस मेरे पास, ये मायोनीज में चिली सॉस मिक्स करो तो बहुत मजे का ये अलबेक सॉस बन जाता है, शोरमा सॉस जैसे होता है। ये देखें, ये बहुत मजे का अलबेक सॉस, माशाल्लाह। ये चटनियां मेरी तैयार हैं, ये देखें पिंक कलर की चटनी शोरमे में जो डलती है, ये रेड कलर की केचप, ये ग्रीन कलर की चटनी, और ये मेरे अलबेक, माशाल्लाह। ये देखें ये अलबेक ऐसे तैयार हुए हैं, माशाल्लाह। ये देखें जो अलबेग तैयार हुए हैं, बिल्कुल है ना बाजार जैसे, माशाल्लाह। इतने ढेर सारे बन गए हैं, आधा किलो बोनलेस चिकन मैंने लिया है, अभी इतने मैंने फ्राई किए, इतने फ्रीज कर दिए, कोई मेहमान आए तो ऐसे बंदा फौरन निकाले, और साथ चिप्स बनाए ऐसे, और साथ मजे मजे की चटनियां बनाई, ये देखें माशाल्लाह, इसके साथ चटनियां बहुत मजे मजे की। माशाल्लाह ये अलवे, ये इसके साथ सॉस, चटनियाँ, ग्रीन चटनी, केचप ब्रेड, और ये शोरमा सॉस, अलबेक सॉस, और माशाल्लाह कितनी मज़े की बनी है, कितनी टेस्टी है, ये देखें बहुत मज़े के बने। वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना ख्याल रखना, अगली नई नई वीडियो मिलेगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।